Good morning students, in previous part of video we have studied about the inventory turnover ratio and this part of video we are going to solve trade receivable turnover ratio, that is TRTR. What is trade receivable turnover ratio? It is credit revenue from operation divided by average trade receivable, यानी credit sale में, यानी credit revenue from operation में अगर आप average trade receivable का divide करेंगे तो आपका trade receivable turnover ratio आ जाएगा. अब credit revenue from operation ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी टोटल रेवेन्यू में से आप कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर डिडक्ट कर देंगे तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा. या फिर एक फॉर्मूला हम और यूज कर सकते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस कैश सेल. ये फॉर्मूला भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. अब ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इक्विवेलेंट होती है और कैश सेल कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इक्विवेलेंट होती है, यानी इस वे से हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, यानी ये तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड डेटर और बीआर दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं, प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय टू. अगर आप ये करेंगे तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आ जाएगा. अगर आपको बीआर गिवन नहीं है तो आप केवल ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर्स की हेल्प से ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद एक निकाला जाता है इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर और मंथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी इनकी हेल्प से आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन इज देयर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 79. इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट सेल 6 लाख रुपीज, डेटर्स 60,000 एंड बीआर 40,000. देखिए इस रेशियो इंफॉर्मेशन में हमें ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये हमारे ओपनिंग डेटर्स हैं या क्लोजिंग डेटर्स हैं या ओपनिंग बीआर या क्लोजिंग बीआर है, तो यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे आप? डेटर्स और बीआर को आप ऐड कर लेंगे. डेटर्स की वैल्यू है 60,000 और बीआर की वैल्यू है 40,000, तो ये अमाउंट हो गया आपका 1 लाख. अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख और 1 लाख रुपीज, ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट हो गया. तो 6 टाइम्स इसमें आप निकाल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. अब एवरेज कलेक्शन पीरियड और आपको निकालना है इसमें, यानी कलेक्शन पीरियड कितना होगा. तो मैंने फॉर्मूला बताया है नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. देखिए नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 और ये आया है आपका 6, तो ये 60.3 समथिंग हो जाएगा, राउंड फिगर ये 61 डेज हो जाएगा. अगर आप मंथ में लेंगे तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर 12 और ये 6 करेंगे तो आंसर
टू मंथ हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 80। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव टोटल नेट सेल 2 लाख रुपीज, नेट कैश सेल 40,000 रुपीज, डेटर्स ऑन 1st April 2019 दैट इज ओपनिंग डेटर्स 35,000, डेटर्स ऑन 31st March 2020 दैट इज क्लोजिंग डेटर्स दैट इज 55,000, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस 2 लाख, नेट क्रेडिट नेट सेल माइनस कैश सेल 40,000 यानी 1,60,000, ये आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज डेटर्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू है 35,000, क्लोजिंग डेटर की वैल्यू है 55,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45,000, ये अमाउंट हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू इसको पुट कीजिए, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैलकुलेट की है 1,60,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना निकाला है आपने 45,000। अब आप डिवाइड करिए तो ये आएगा 3.56 times, यानी जो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो 3.56 times रहेगा। Now let's take one more illustration, that is illustration number 81. In this illustration we have trade receivable opening 20,000, closing 25,000, provision for doubtful debt opening 2,000, closing 2,500, total revenue from operation 2 lakh and cash revenue from operation 87,500, and we have to find trade receivable turnover ratio. कैसे निकलेगा? इसका formula है credit revenue from ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी टोटल सेल में से आप कैश सेल माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज गिवन है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 87,500 गिवन है यानी 1,12,500 रुपीज, ये हमारी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हो गई। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा 25,000 है और डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करेंगे तो ये 22,500 वैल्यू हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल में डिडक्टेड होता है तो आपको इसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल आता ही ऑलरेडी डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैलकुलेट की 1,12,500 रुपीज और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपने 22,500 रुपीज निकाल लिया। अब आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 times ये आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 82। In this illustration, we have closing debtors 40,000, net credit revenue from operation 25% of cash sale, यानी जो credit revenue है वो 25% है हमारा cash sale का, और excess of closing debtor opening over opening debtors 20,000, और जो closing debtors हैं वो opening debtors से 20,000 रुपीज ज्यादा है,
और टोटल सेल जो है हमारी वो 1,50,000 रुपीज की है। अब देखिए हमें क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। क्रेडिट रेवेन्यू कैश सेल का 25% है, जितना भी कैश सेल का अमाउंट है वो हमारा 25% है, ठीक है। तो 25% हमारा अमाउंट हो रहा है कैश सेल की हेल्प से, कितना होगा? तो देखिए नेट सेल आपको दे रखी है, तो आप एज्यूम कर लीजिए नेट द कैश सेल इज इक्वल टू एक्स। कैश सेल को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश क्रेडिट सेल है वो 25% हो जाएगा। तो यानी क्रेडिट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स का 25%, दैट इज एक्स अपॉन 4। अब देखिए टोटल सेल कैसे निकलती है, टोटल सेल निकलती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, यानी कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट सेल का आ जाएगा। टोटल सेल हमें ऑलरेडी गिवन है 1,50,000, कैश सेल को हमने एक्स एज्यूम किया था और क्रेडिट सेल एक्स अपॉन 4 आई थी, तो ये हो जाएगा 1,50,000 इज इक्वल टू 5x/4। तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, 1,50,000 इंटू 4/5 यानी 1,20,000। 1,20,000 ये अमाउंट हो जाएगा हमारा कैश सेल का, और क्रेडिट सेल क्या है? क्रेडिट सेल है इसका 25%, तो 1,20,000 का 25% 30,000 ये अमाउंट हो जाएगा। अब हमें निकालना है, अब देखिए यहां पे क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू गिवन है 40,000 और कह रहा है क्लोजिंग डेटर ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, मींस ओपनिंग क्लोजिंग से 20,000 कम है, तो ओपनिंग डेटर की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। अब हमें निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट, उसका फॉर्मूला एवरेज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 20,000 प्लस क्लोजिंग की वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 30,000 ही ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आएगा। अब आपको क्या निकालना है इनकी हेल्प से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने यहां पे कैलकुलेट कर दिया 30,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपने निकाला है यहां पर 30,000, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी 1 टाइम ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। Now let's take one more illustration, that is illustration number 83. In this illustration we have total sale 1,75,000 and it is net amount. Net amount means sales return is already deducted from this amount. Cash sale 20% of total sale, sales return 10,000. जब net value given है तो sales return already minus हो चुका है, तो हमें इस value को कोई consider नहीं करना है। Sundry debtor opening 8,000 and closing 12,000. And we have to find the trade receivable turnover ratio. Formula क्या है? Credit revenue from operation divided by average trade receivable. तो सबसे पहले तो हम credit revenue from operation निकालेंगे। Credit revenue from operation का formula होता है revenue from operation minus cash revenue from operation. तो देखिए revenue from operation already हमें given है 1,75,000 और 20% इसका अमाउंट है कैश सेल का। तो देखिए हम निकालेंगे अगर इसको तो 1,75,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 35,000 ये अमाउंट हो जाएगा हमारा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,40,000 ये अमाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 8,000 दे रखे हैं, क्लोजिंग 12,000 दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10,000 ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, तो क्रेडिट वैल्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला 1,40,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 10,000 यानी 14 टाइम्स ये आपका
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 84। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, एंड ओपनिंग डेटर 50,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख, एंड वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट इसी कॉस्ट का 25% है, यानी 3 लाख रुपीज का 25% अगर आप निकालेंगे तो 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 3 लाख रुपीज का कॉस्ट और 75,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 3,75,000 ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। अब क्रेडिट रिवेन्यू कैसे निकाली जाती है? वो फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू या कैश सेल। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाल ली 3,75,000 और कैश सेल 20% है टोटल सेल की, और टोटल सेल आपने निकाला 3,75,000 उसका 20%, तो ये 75,000 आ जाएगा कैश सेल का अमाउंट। तो यानी माइनस करेंगे आप 75,000 तो 3 लाख रुपीज ये आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो 50,000 है, क्लोजिंग का 1 लाख है, और डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए तो क्रेडिट वैल्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला 3 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। एक इलस्ट्रेशन और देखिए, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 85 है आपकी बुक में। इस इलस्ट्रेशन में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 1/3 है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी क्रेडिट सेल की कैश सेल 1/3 है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000 रुपीज गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, और ट्रेड रिसीवेबल जो ओपनिंग है वो 3 टाइम्स, सॉरी क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के 3 टाइम्स है, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, और रेवेन्यू हमें गिवन नहीं है तो लेट द रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स, रेवेन्यू को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% है, यानी x का 25%, यानी x अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000, रेवेन्यू आपने x एज्यूम किया है और जीपी x अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा 3,60,000 is equal to 3x upon 4, 4x minus x 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3,60,000 into 4 upon 3, यानी 4,80,000। उसको जीरो पुट करते हैं तो रेवेन्यू की वैल्यू आ गई 4,80,000 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो लैग का क्रेडिट रेवेन्यू जब x, तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका 1/3, यानी x अपॉन 3। अब टोटल सेल क्या होती है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। टोटल सेल हमने यहां पे कैलकुलेट की है 4,80,000, कैश सेल हमारी निकल के आई है x अपॉन 3 और क्रेडिट सेल x है, तो 3x प्लस x यानी 4x upon 3 is equal to 4,80,000. x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4,80,000 into 3 upon 4,
360,000, ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आ गया। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपको गिवन है 3 times। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाल ली 360,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो इसी की हेल्प से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 360,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1,20,000, ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग ओपनिंग के 3 times है, तो हम कर देते हैं लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स, तो क्लोजिंग इसका 3 times यानी 3x हो जाएगा, ठीक है समझ आएगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, तो ये हमने निकाल रखा है 1,20,000 और हमने ये अज्यूम किया था x प्लस 3x अपॉन 2, ये 2 यहां पे जाके क्या हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 60,000, ये हमारा x का अमाउंट हो जाएगा। x means हो जाएगा हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग इसका 3 times है, तो यानी क्लोजिंग अगर आप निकालेंगे तो 1,80,000 टू 3 कर देंगे तो 1,80,000 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। तो ये हमारी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन था। वेलकम स्टूडेंट्स, आफ्टर द बोर्ड प्रेजेंटेशन लेट्स नाउ टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 87। इट इज सिमिलर लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 86। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 times, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 20,000 मोर देन द बिगनिंग, यानी जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ओपनिंग से 20,000 रुपीज ज्यादा है। कैश सेल इज बिंग 33/3% ऑफ क्रेडिट सेल, 33/3 मीन्स 100/3%, और वी कैन से 100/3 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1/3, जो इलस्ट्रेशन नंबर 86 में बताया था सिमिलर उसी के तरीके से ही है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में पता तो है नहीं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 rupees हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी 100-20 यानी 80 rupees, ठीक है। अब अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 rupees है तो सेल कितनी है 100 rupees, और अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 6,40,000 है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100/80 यानी 8,00,000 रुपीज, ये हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 1/3 है, तो हमने क्या किया क्रेडिट सेल को एक्स एज्यूम कर लिया, तो कैश सेल इसका 1/3 यानी x/3 हो जाएगा। टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो कैश टोटल सेल तो गिवन है 8 lakh, कैश सेल x/3 प्लस क्रेडिट सेल x, तो ये हो जाएगा 3x+x और यहाँ पे अपॉन 4 होगा, तो 4 × 8 करेंगे तो 24 lakh हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 24 lakh डिवाइडेड बाय 3 करोगे 4 करोगे तो 6 lakh, ये हमारी क्रेडिट सेल आ जाएगी, यानी क्रेडिट सेल यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 lakh। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में भी वो भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, फॉर्मूला जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो यानी अगर हमने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को y अज्यूम किया तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इसके 20,000 ज्यादा है यानी y प्लस 20,000 हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 lakh हमने निकाल लिया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल y प्लस 20,000 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 80,000 इज इक्वल टू 12 लाख, ठीक है। तो 8y इज इक्वल टू 11 लाख 20,000, क्योंकि 80,000 माइनस का हो जाएगा तो जाके, तो y इज इक्वल टू 1,40,000, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 140 आ जाएगी, और क्लोजिंग इससे 20,000 ज्यादा है तो क्लोजिंग की वैल्यू 140 प्लस 20 यानी 1,60,000 रुपीज हो जाएगी। तो ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग को निकालने का इलस्ट्रेशन था। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन है इसका लास्ट, इसमें एक आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग 250, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 2 लाख रुपीज, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 10,000, टोटल बैलेंस शीट का 11,60,000। असेट साइड में नॉन करंट असेट्स की फिक्स असेट्स 7 लाख, करंट असेट्स इन्वेंट्रीज 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 350 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल जो है वो, उसमें भी क्रेडिट सेल जो है 15 लाख है और कैश सेल 2,50,000 है। तो हमें तो केवल क्रेडिट सेल की जरूरत है, तो क्रेडिट सेल ऑलरेडी गिवन है 15 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 450 है और क्लोजिंग आपको यहां पर दे रखे हैं 3,50,000, यानी क्लोजिंग ये ओपनिंग ये, तो यानी आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग 450 क्लोजिंग 350, तो 350 प्लस 450 अपॉन 2 यानी 4 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में 15 लाख गिवन है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख यानी 3.75 टाइम्स ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी 12 डिवाइडेड बाय 3.75 यानी 3.2 मंथ्स ये हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशंस थे हमारे रिलेटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।